हेलो एवरीवन, विमला वेज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बना रहे टिंडे की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो यहाँ से सबसे पहले अच्छे से टिंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो देख सकते हैं कच्चे कच्चे टिंडे का इस्तेमाल किया है और हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। आप टिंडे को यहाँ पर लंबी लंबी शेप में भी कट कर सकते हो। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। और अब लिए कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया। आप जो भी तेल खाना पसंद करें उसी तेल में यहाँ सब्जी को बना सकते हो। तेल गर्म होने के बाद आधा चम्मच डाल देंगे राई, आधा चम्मच डालेंगे जीरा, राई और जीरे को यहाँ पर अच्छे से तड़कने देते हैं। उसके बाद में लिया है यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन लिया है, मिर्ची लिया है हरी, और अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है सभी चीज़ों को। तेल के अंदर डाल देंगे एक ही साथ सभी चीज़ों को, अदरक लहसुन और मिर्ची है उसको एक साथ डाल के अच्छे से यहाँ पर इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसका कलर देख सकते हैं। प्याज मिर्ची और लहसुन सभी चीज़ यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद में डाल देंगे जो कटे हुए हमारे टिंडे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह आप टिंडे की सब्जी जब बना के तैयार करोगे ना, सभी को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिंडे को एकदम यहाँ पे मिक्स करते हुए पका ले। अब एक थाली से हमें ढक के इसको पकाएंगे, जैसे कि 5 से 6-7 मिनट तक इसको ढक के पका लेंगे। 5-7 मिनट हो गई और टिंडे को देख लेते, देखिए इससे सॉफ्ट हो गए एकदम पक्के। सॉफ्ट हो गए एकदम यहाँ पे। तो अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। तीखा यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि आपको खाना पसंद है तीखा उस हिसाब से मिर्ची डालें। 1 से 1.5 चम्मच हमने मिर्ची डाल दी, मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। जैसे कि मसाला की छोटी चम्मच होती है वही चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम यहाँ पर इसको तैयार कर लेंगे। मिक्स करके इतनी अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो मिक्स करने के बाद देख सकते हैं मसाला यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद में डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर टुकड़ों में। यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं और टुकड़ों में कट कर लिए हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से पक गए हैं। हमने 1 चम्मच डाला है यहाँ पर गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करके सब्जी तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं फाइनली सब्जी तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह बहुत ही कम टाइम में हमने सब्जी बना के तैयार कर दी है।